टाटा स्टील ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर भी रहे हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, हमारी सहयोगी आशीषा बता रही है। जी हाँ, टाटा स्टील के नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं। हम एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज इस क्वार्टर में कोकिंग कोल जो उनका मेन रॉ मटेरियल होता है उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे और स्टील प्राइसेस भी वीक थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 60,783 करोड़ के आसपास आया है जो 0.6 मार्जिनल इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिटडा 15,893 करोड़ पे आया है जो 3.4% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिटडा मार्जिन में हमने 110 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23.7% से डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली हमने एक इंप्रूवमेंट देखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के कारण हमने एक डिक्लाइन देखा। एबिटा पर टन, जैसे मैंने कहा इस क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा थे और स्टील प्राइसेस भी वीक थे, उसके कारण एबिटा पर टन 2,100 रुपीज पर टन से डिक्लाइन हुआ।